तो क्वेश्चन इज फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इंटू जी ऑफ के। जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया। अगर ऐसा होता है तो जेड ट्रांसफॉर्म के फंक्शन अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया तो कन्वर्जन यूज करते हैं। कन्वर्जन कैसे यूज करते हैं, तो एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, वो एफ ऑफ जेड यहां पर लिखो। जी ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, वो कैपिटल जी ऑफ जेड यहां पर लिखो, खत्म। तो सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप नंबर वन करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के से फाइंड करेंगे स्मॉल एफ ऑफ के। उसका आंसर है, उसका क्वेश्चन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के का वैल्यू 1/3 to k, ये क्वेश्चन है। तो आप इसको पूरा आइदर स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, पूरा एक लेंथी इक्वेशन, और एल्स आप यहां पर डायरेक्ट a^k का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a^k। अभी यहां पर वैसे होल रेस टू के नहीं है ना, लेकिन 1 का पावर k लिया तो भी 1 ही होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, z ब्रैकेट 1/3 to k, क्योंकि 1 का पावर k लिया तो 1 ही होता है और 3 to k ऑलरेडी मैनेज हो गया। तो ये यही फॉर्मूला बना गया ना, सिर्फ a का वैल्यू यहां पे क्या है 1/3, a का वैल्यू 1/3। तो एज पर दी फॉर्मूला आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, z/z-a ना, तो यहां पे होगा z/z-1/3 होगा। बस इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × z 3z-1/3, और ये ऊपर z और ये 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहां पे होगा 3z/3z-1। ये हो गया कैपिटल f ऑफ z, इसका आंसर z ऑफ f स्मॉल f ऑफ k का आंसर मिल गया आपको फर्स्ट का। This is good. Next, आपको क्या करना, सेकेंड फाइंड करना है, स्टेप टू, z ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल g ऑफ k, मतलब z ट्रांसफॉर्म g ऑफ k कितना है, 1/5 to k है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/5 the whole raised to k, लिख सकता हूं ना मैं। तो सेम फॉर्मूला आगे, तो आंसर होगा z upon z minus 1 by 5, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 to z 5z minus 1 upon 5 ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा 5z, और ये हो गया आपका g ऑफ z, कैपिटल g ऑफ z मिल गया आंसर, z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ k का आंसर मिल गया आपको यहां पे, ठीक है। ये दोनों मिलने के बाद हम लोग अभी यूज करेंगे कन्वर्जन थ्योरम। सो बाय कन्वर्जन थ्योरम z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इंटू g ऑफ k इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ z इंटू कैपिटल g ऑफ z, बराबर है। तो कैपिटल f ऑफ z का वैल्यू यहां पे मिला है 3z/3z-1, मिल गया, इंटू कैपिटल g ऑफ z का वैल्यू ये मिला आपको 5z/5z-1, एंड ये ब्रैकेट में वैसे रखता हूं, कुछ लोग यहां पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ लोग उसको एज इट इज रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 × 3 = 15, z × z z² ये मिला आपको z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इंटू g ऑफ k का आंसर। अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है।